नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर नगर समाजवादी लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोलियम मंत्री का पुतला दहन किया। कानपुर नगर ग्रामीण के कार्यकर्ताओं ने बढ़ते डीजल व पेट्रोल के दामों को लेकर पेट्रोलियम मंत्री का पुतला दहन किया। इस मौके पर फिर जिला उपाध्यक्ष शिवम चंद्रा ने कहा कि यह सरकार गरीब जनता का खून चूसने के लिए सत्ता में आई है। अगर जल्द ही इन बढ़ते मूल्यों पर लगाम नहीं लगी तो राजभवन का घेराव कर प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर उमेश यादव, राजकिशोर यादव, पार्षद शिवम चंद्रा, गौरव पांडे, ऐश्वर्या तिवारी, मोहम्मद राशिद, आयुष कुमार चतुर्वेदी, तुषार गुप्ता, श्वेत विनय, नीरज प्रखर तिवारी, निखिल विशाल, अमन राजपुर, जिला उपाध्यक्ष सुमित गुप्ता, शरद गुप्ता, अवधेश गंगवार आदि कार्यकर्ता शामिल रहे। जा रही है और भारी बिजली के बिल बढ़ोतरी, जिसका सुधार करने के लिए कैस्को का कोई भी अधिकारी तैयार नहीं है। इन सारे मुद्दों को लेके समाजवादी पार्टी के आज कार्यकर्ताओं ने भारी विरोध किया है और ये विरोध की शुरुआत है। जरूरत पड़ेगी और आगे बड़े से बड़ा संघर्ष किया जाएगा, विरोध किया जाएगा, अधिकारियों का घेराव किया जाएगा और सरकार से हम ये मांग करते हैं कि वो सत्ता में है, शासन में है, पूर्ण बहुमत से है, वो तत्काल डीजल और पेट्रोल के दामों को घटाए और जिस तरीके से कैस्को ने लूट बना रखी है आम जनमानस में, जिस तरीके से बिजली के बिलों की बढ़ोतरी करके बिल भेजे जा रहे हैं और बिलों का सुधार नहीं हो रहा है, उन बिलों को वापस लिया जाए और उनमें सुधार किया जाए। जैसा कि सरकार ने कहा था कि हम 3 महीने का बिजली का बिल माफ करने का काम करेंगे, किसी भी प्रकार से कोई सहायता, कोई मदद नहीं, जनता चारों तरफ त्राहिमाम कर रही है और आज वो घड़ी आ गई है जब संपूर्ण जनमानस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने के लिए समाजवादी पार्टी का आह्वान कर रहा है। हम कार्यकर्ताओं ने उसकी बुनियाद और नींव रखना चालू कर दिया। यहाँ इस चीज़ को लेकर धरना देना है। आज हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशों पर जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान और पूरे देश में डीजल और पेट्रोल के रेट एक समानता थी, कभी कभी डीजल और पेट्रोल का रेट एक समान नहीं होते थे, आज इस भाजपा सरकार में जो केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है, आज जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल एक रेट में आ गए हैं, इससे किसान हो, मजदूर हो और हर आम पब्लिक बहुत परेशान है। और इस जगह इसलिए हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के आह्वान, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर हम लोगों ने आज पुतला दहन कार्यक्रम किया था और समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी की तरफ से, और हम लोगों ने ये प्रशासन और प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं कि कम जल्दी से जल्दी अगर पेट्रोल और डीजल का रेट नहीं वापस लिया तो हम लोग बड़े से बड़े आंदोलन को, चाहे वो जेल भरो हो, चाहे सड़कों पर उतरने का काम हो, चाहे चक्का जाम करने का काम हो, हम लोग करेंगे। जय समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।